अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौवे के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कौवा ऐसा परिंदा है जो बहुत ही चालाक और बहुत ही शरारती होता है। ये कहीं से भी किसी भी वक्त चीज़ों को झपट लेता है और ये इंसानी पकड़ में बहुत ही कम आता है। ये बहुत फुर्ती से निकल जाता है और बहुत ही कम ऐसा होता है कि कौवा किसी की पकड़ में आ जाए। कौवे बहुत ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे पैदा होने पर अपने बच्चों को सिर्फ इसीलिए छोड़ देते हैं कि उनके बच्चे बदसूरत होते हैं, क्योंकि जब इनके बच्चे अंडों से निकलते हैं तो उनके सर और चूंछ बहुत बड़ी होती है और बाकी जिसामत बहुत छोटी होती है, इसलिए वालदैन उनको छोड़ देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात उनके घोंसले में ही उन छोटे बच्चों को खाने का इंतज़ाम कर देती है। ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वगैरह खा के बड़े होते हैं। जब इनके जिस्म पर थोड़े से पर आ जाते हैं तो फिर इनके वालदैन वापस आ जाते हैं और फिर अपने बच्चों को अपने साथ लिए घर घर फिरते हैं और उन्हें शिकार करने का और खाने का तरीका बताते हैं। कौवे इंतहाई समझदार जानवर भी हैं और एक कौवा अपनी चूंच जितनी गहराई तक ज़मीन के अंदर देख सकता है। वो देख सकता है कि उस ज़मीन के अंदर यहाँ पे क्या है। कुछ कौवे बिल्कुल उल्लू जैसे होते हैं और ये उल्लू की तरह ही शिकार करते हैं, और ये कुछ परिंद कौवे वो उल्लुओं के अंडे ही खाते हैं और उल्लुओं के साथ ही लड़ाई करते हैं। कुछ कौवे ऐसे होते हैं जो बहुत ही शाइनिंग वाले होते हैं, उनके ब्लैक परों के ऊपर बहुत ही शाइनिंग होती है। कौवों की मुख्तलिफ इकसाम हैं, लेकिन कौवों को उनके रंगों की वजह से पहचाना जाता है। कुछ कौवे सफ़ेद और काले होते हैं और कुछ कौवे सारे ही काले होते हैं, और कुछ कौवे ऐसे हैं जिनके चूंच और पांव सुरख होते हैं लेकिन बाकी सारा जिस्म काला होता है। और कौवा ऐसा परिंदा है जो अपनी खुराक को अपने मुंह में ही सेव कर लेता है और ये उसको निगल के इकट्ठा कर लेते हैं और फिर ये अपने घोंसलों में जाकर उसको उगल देते हैं और वो खुराक अपने बच्चों को खिलाते हैं और सेव कर लेते हैं। कौवे को से बचना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये हर जगह पे पहुंच जाते हैं, लेकिन आजकल आमतौर पर शहरों में ये बहुत ही कम नज़र आते हैं। कौवे ऐसे हैं, जब इस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों ने आपस में एक दूसरे को कत्ल कर दिया था तो अल्लाह ताला ने कौवे को भेजा था कि वो उनको दफनाने का तरीका बताए। दो कौवे गए थे, उनमें से एक कौवे ने दूसरे को कत्ल कर दिया और उसके बाद अपनी चूंच से ज़मीन को खोद के उसे नीचे दफन किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।